शां शरणं मम ना हम तू हो हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैं कह रहा था कि माता पिता को चाहिए कि प्रतिदिन वे अपने बच्चों के साथ सुबह या शाम पूजा प्रार्थना करें। ऐसा करने से बच्चों के दिल में प्रभु के प्रति आस्था जागेगी, उनके मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होगी, उन्हें प्रार्थना और पूजा करने की आदत पड़ेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ परिवारों में तो जब शिशु बोलना शुरू करता है तो माता पिता उसे प्रार्थना करना सिखाते हैं। कुछ शिशु को प्रभु का पावन नाम उच्चारना सिखाते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन। ऐसा करने से आपके बच्चों को जीवन के कठिन दौर में सहारा मिलेगा। ईश्वर में विश्वास रखने से उन्हें हर मुश्किल का सामना करने का हौसला मिलेगा और उसके लिए बच्चे हमेशा आपका आभार मानेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अपने मित्रों से कहता हूँ कि घर में एक कोना होना चाहिए जिसमें आप अपने इष्ट देव की बड़ी तस्वीर लगाएं या मूर्ति रखें, जैसे भगवान श्री कृष्ण या श्री राम की, महात्मा बुद्ध की, श्री ईशा की, गुरु नानक देव जी की, महावीर की। फिर घर का जो भी सदस्य जब घर से बाहर जाए या घर के अंदर आए तो पहले उस मूर्ति या तस्वीर के आगे नमन करे और छोटी सी एक प्रार्थना करे। इससे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। कई लोग मुझसे कहते हैं कि बच्चों को रोज़ सत्संग में लाना संभव नहीं है, इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि वे अपने घर में प्रतिदिन छोटा सत्संग करें। संध्या के समय चाहें तो आरती करें, समय समय पर बच्चों को गरीबों दुखियों की सेवा के लिए ले जाएं। दे विल दस लर्न टू प्रे नॉट ओनली विद देयर लिप्स एंड हार्ट्स बट ऑल्सो विद देयर हैंड्स। अपने बच्चों को बार बार यह सीख दें कि उन्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वे तुरंत भगवान से प्रार्थना करें। कई लोग सोचते हैं कि भगवान से सांसारिक चीज़ें मांगना बुरी बात है। मुझे नहीं लगता ऐसा करना गलत है। मुझे लगता है हमारे पास दो विकल्प हैं। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो या हम लोगों से मांगें या फिर भगवान से मांगें। आप स्वयं ही फैसला करें कि कौन सा विकल्प अच्छा है। मुझे यह भी लगता है कि बच्चों को यह मालूम होना चाहिए कि ईश्वर हमारी माता है, हमारे पिता हैं, हमारे मित्र हैं। तो मैं वह माता च पिता तो मेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि ईश्वर हमारे माता पिता हैं तो फिर उनसे कुछ मांगने में क्या बुराई है। अगर बच्चा अपने माता पिता के पास नहीं जाएगा तो फिर वह किसके पास जाएगा। भगवान केवल हमसे इतना ही चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। इन द मेजर इन विच वी थिंक ऑफ अप्रोचिंग हिम आवर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस राइजेज। यही तो प्रार्थना की खासियत है। बच्चे ईश्वर से जो मांगना चाहते हैं उन्हें मांगने दो। ऐसा करने से उनकी चेतन धारा ऊपर उठने लगेगी और आखिरकार ऐसा दिन आएगा जब वे ईश्वर से केवल उनका प्यार और कृपा पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों को यह भी सिखाएं कि ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर तीन तरह से देते हैं। एक, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वे कहते हैं हाँ हाँ मेरे बच्चे, जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए हितकारी है, इसलिए वो मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। दूसरा, ईश्वर कहते हैं जो तुम मांग रहे हो उसे तुम्हारा अहित होगा, इसलिए वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तीसरा, ईश्वर कहते हैं थोड़ा ठहरो, तुम जो मांग रहे हो वो मैं तुम्हें दूंगा, पर अभी नहीं, उचित समय आने पर ही तुम्हें दूंगा। इस तरह प्रतिदिन के प्रार्थना आपके बच्चे के चरित्र निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। जब प्रार्थना आपके बच्चे के जीवन का मुख्य अंग बन जाती है तो उससे बच्चे के जीवन में आध्यात्मिक पथ पर चलने की नींव पड़ जाती है। जब आप बच्चे के मन में प्रभु के प्रति आस्था और श्रद्धा की लव जगाना सिखाते हैं तो साथ ही साथ आप अपने बच्चे को जीवन की सभी समस्याओं का सही तरीके से सामना करना सिखाते हैं, चाहे वह शारीरिक समस्या हो या इमोशनल या फिर आध्यात्मिक समस्या। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने बच्चों को ध्यान करने का महत्व बताओ, उन्हें ध्यान करना सिखाओ। आज के इस भागम भाग के युग में, इस शोर के युग में बच्चे बहुत बेचैन रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थिर और शांत रहने के लिए ध्यान करना ज़रूरी है। प्रार्थना करना या सत्संग में बैठने से उनका मन और दिमाग दोनों शांत और स्थिर हो सकते हैं। आप अपने बच्चों को सिखाओ कि वे प्रभु के चरणों में या फिर गुरु के चरणों में शरण लें। उन्हें बताओ कि ईश्वर और गुरु उनकी हमेशा रक्षा करते हैं, वे उन्हें हर बुराई से बचाते हैं। उन्हें सिखाओ कि रोज सुबह उठते समय और रात को सोते समय वे ईश्वर को ज़रूर 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 याद करें। उनसे कहो कि दिन भर में समय समय पर वे ईश्वर का पावन नाम जपें। ऐसा करने से वे अच्छी तरह अपनी पढ़ाई
पर ध्यान दे सकेंगे। इट विल गिव देम बेटर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। इट विल गार्ड देम फ्रॉम ऑल डेंजर एंड ईविल। एक संत जहाँ भी जाते थे वहाँ लोगों में विश्वास, आशा और खुशी का प्रकाश फैलाते थे। वे जिससे मिलते उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता था। एक बार लोगों ने उनसे पूछा, आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? इस पर संत ने अपने जीवन का एक सुंदर किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, कई साल पहले जब वे आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए अपना घर छोड़कर निकल पड़े, तब उनकी माँ उन्हें गांव की सीमा तक छोड़ने आई। माँ ने पुत्र को विदा करते समय कहा, जाने से पहले तो मुझे एक वचन दो। पुत्र ने पूछा, माँ कैसा वचन? माँ ने कहा, पहले वचन दो। पुत्र बोला, जैसे आपकी इच्छा, मैं आपको वचन देता हूँ। तब माँ ने कहा, यह संसार बड़ा विकट है, मैं चाहती हूँ कि तुम हर मुसीबत से बचे रहो, इसलिए तुम मुझे वचन दो कि तुम दिन का आरंभ ईश्वर की याद के साथ करोगे और रात को सोते समय भी ईश्वर को याद करोगे। ऐसा कहकर माँ ने पुत्र का माथा चूमा। संत ने कहा, मैंने अपनी माँ को वचन दिया। मेरी माँ को दिया हुआ वचन इसी एक बात ने ही मेरे जीवन को दिशा दी। मेरी माँ ने मुझे शांति और खुशी का राज सिखाया। वह राज है, बिगिन द डे विथ गॉड एंड क्लोज द डे विथ गॉड। प्रभु तेरी याद महासुखदाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी अपने बच्चों को शांति और खुशी का राज बताइए। प्रार्थना द्वारा ईश्वर को उनके जीवन में साक्षात करिए। तीसरी बात, बच्चों को डिसिप्लिन में रखिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है, बच्चों के लिए माता पिता की हर बात जिंदा मिसाल होती है। एक लड़का था, उसके अध्यापक और कई लोग उसे कहते थे, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, पर पिता सिगरेट पीता था।
इसलिए बेटा सोचता पापा सिगरेट पीते हैं, अवश्य ही सिगरेट पीने में मज़ा आता होगा, मैं भी बड़ा होकर सिगरेट पीऊँगा। एग्जाम्पल्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं तो पहले आप डिसिप्लिन में रहना सीखें। जब तक माता पिता डिसिप्लिन में नहीं रहते, उन्हें अपने बच्चों से डिसिप्लिन की आशा नहीं रखनी चाहिए। डिसिप्लिन का अर्थ केवल बुरी आदतें जैसे शराब पीना, जुआ खेलना या सिगरेट पीना नहीं है। डिसिप्लिन का संबंध चरित्र से भी है, अपने दैनिक जीवन में अच्छा चाल चलन, अच्छा आचरण रखना भी डिसिप्लिन है। इसलिए याद रहे, चाहे घर हो या दफ्तर, आप कभी भी अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से समझौता न करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डिसिप्लिन के बिना कोई भी कला सीखी नहीं जा सकती। और जहाँ तक जीने की कला की बात है, वो तो बिल्कुल भी नहीं। सन 1960 और 70 में डिसिप्लिन एक बुरा शब्द माना जाता था। द कल्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन वॉज फैशनेबल। लोग कहते थे, अरे अपने बच्चों पर कोई पाबंदी मत लगाओ, उसे डिसिप्लिन में मत रखो, उसे आज़ादी से जीने दो, उसे आज़ादी से अपनी बात कहने दो। इसलिए बच्चे विशेष रूप से पश्चिमी देशों में मनमानी करने लगे। यहाँ तक कि शिशु भी जब रोता था तब भी उसे दूध पिलाया जाता था, उसके खिलाने पिलाने का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता था। लेकिन यह मनमानी करने की कैसी आज़ादी है जो डिसिप्लिन को निकालती है। इससे तो बच्चा जंगली बन जाएगा, इससे तो बच्चा बुरी आदतों का शिकार हो जाएगा। कुछ ही महीने पहले मैंने एक अमेरिकन न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी जो इस प्रकार थी, स्कूल गैंग वायोलेंस इज नाउ नियर एपिडेमिक वैंडलिज्म आर्सन मर्डर बर्गलरी। आजकल वहाँ स्कूल और कॉलेज के छात्र खुले आम अपने मित्रों और अध्यापकों पर बिना किसी वजह से गोलियाँ चला रहे हैं और खून की होली खेल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भारत में अध्यापक डिसिप्लिन रखने के लिए बच्चों को पीटते हैं जिससे कई छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, क्या ये डिसिप्लिन है? इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण भी है, पर डिसिप्लिन का अर्थ यह नहीं कि बच्चों की कोमल भावनाओं का खून करो। मेरे मित्र ने कहा कि जब उसका ट्रांसफ़र एक बड़े शहर में हुआ तो वह और उसकी पत्नी अपनी बेटी के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश करने लगी। उन्हें बताया गया कि उस शहर में लड़कियों के लिए एक ही अच्छा स्कूल है। वे दोनों स्कूल को देखने पहुँचे। स्कूल एक रमणीक स्थान पर था, चारों ओर हरियाली थी, वातावरण एकदम शांत था। पत्नी ने चौकीदार से पूछा, क्या आज छुट्टी है? चौकीदार बोला, नहीं मैडम, बच्चे अपने कक्षा में हैं और पढ़ाई चल रही है। महिला ने आगे कहा, रिसेस कब होगी? मैं बच्चों का यूनिफॉर्म देखना चाहती हूँ और उनसे बात भी करना चाहती हूँ। चौकीदार बोला, दो क्लासेस की छात्राएं बाहर खेल के मैदान पर हैं, उनका पीटी और स्पोर्ट्स चल रहा है। आप स्कूल की इमारत की दाएं तरफ मुड़ जाएं, बस खेल का मैदान वहीं है। दोनों पति पत्नी चौकीदार द्वारा बताए गए रास्ते से चलने लगे। रास्ते की दोनों ओर
हरे भरे लान थे। तभी उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था, छात्राओं को लॉन पर पैर रखना मना है। जब पति पत्नी ने स्कूल की इमारत में प्रवेश किया तो वहाँ संगमरमर का फर्श और बड़ा सा रिसेप्शन देखकर बहुत खुश हुए, पर वहाँ भी एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, छात्राएं इससे आगे नहीं जा सकती। उसके बाद उन्हें एक बड़ी सी लाइब्रेरी से गुजरना पड़ा। वहाँ एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, छात्राओं को इस काउंटर से आगे जाना मना है। इमारत के पीछे एक बड़ा सा खेल का मैदान था। दूर एक कक्षा की पीटी चल रही थी और पास ही दूसरी कक्षा की लड़कियाँ आपस में खेल रही थीं। एक लड़की अलग से खड़ी थी, जाहिर है वह आउट हो गई थी इसलिए बाहर खड़ी थी। तब महिला ने उसे देखकर कहा, हेलो हनी, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की उसकी तरफ मुड़ी और बोली, हेलो आंटी, और चुप हो गई। उसकी आंखों में भय छाया हुआ था। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, और वह वहाँ से भाग गई। उसके बाद दूसरी लड़की वहाँ आई। महिला ने मुस्करा कर कहा, तुम्हें अपना स्कूल कैसा लगता है? लड़की ने इधर उधर देखा और दबी आवाज़ में बोली, आंटी माफ़ करना, हमें किसी से भी बात करने की अनुमति नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपना मुंह फेर लिया। यह देखकर दोनों पति पत्नी चकित रह गए। वे अपनी कार की ओर चल दिए। पत्नी बोली, मुझे नहीं लगता हमें अपनी बेटी श्वेता को इस स्कूल में भेजना चाहिए, यहाँ तो बच्चे हंस बोल भी नहीं सकते। जहाँ देखो वहाँ पाबंदी के बोर्ड लगे हुए हैं, ऐसे में यहाँ कौन सा बच्चा खुश रह सकता है? डिसिप्लिन मस्ट नॉट बी कन्फाउंडेड विद सेपरेशन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। जब कल मिलेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति।